हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू राधे। तो गाइस आज हम करने वाले हैं प्रतीक पर देसी देसी फोटो एडिटिंग। तो गाइस इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और गाइस इस वीडियो को जितने बैकग्राउंड और PNG यूज है उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइस चलिए बिना देर के जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। और गाइस वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज यहाँ पर मैंने पिक्सार्ट में अपना बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। देखिए ये हमारा फुल एच डी बैकग्राउंड है। तो गाइज सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले रिसाइज पर जाकर चेक कर लेना है कि ये इसका 2000 है कि नहीं। अगर आप कोई सा बैकग्राउंड ऐड करते हो तो उसको जरूर रिसाइज कर लेना, जिससे कि फोटो तुम्हारी एच डी क्वालिटी में हो जाएगी। तो अब हम सिंपली ऐड फोटो पर चलेंगे गाइज, और ऐड फोटो पर जाने के बाद से हम अपने मॉडल की फ़ोटो लेंगे। और गाइज यहाँ पर हमने मॉडल का फोटो ऐड कर लिया है। देखिए गाइज इसका बैकग्राउंड को हमने इरेज कर रखा है पहले से ही। तो गाइज अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। तो वो सिंपली हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद से गाइज इसको हम डन कर लेते हैं और देन हम फिर से ऐड फोटो पर चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हम ऐड फोटो पर, यहाँ पर हमने फोटो ऐड कर लिया है। देखिए गाइज इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली हम इसका ब्लेंडिंग मोड स्क्रीन कर देंगे, देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। तो सिंपली अब इसे अपने सर के ऊपर फिक्स कर लेना है, अच्छे से आपने फिक्स कर लेना है। अब उसके बाद से गाइज इसी इरेजर पर जाना है और सिंपली अपने फेस पर से बस हटा देना है, इसे इरेज कर लेना है। देखिए हमारा छाता भी थोड़ा सा इरेज हो चुका है, तो हम सिंपली उसको फिल कर लेते हैं पहले। इसमें हम इसकी हार्डनेस को फुल करके फिल कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने फिल कर लिया है। तो गाइस उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको डन कर लेंगे। देखिए लेकिन हमारे छाते का स्टिक नहीं है, तो सिंपली हम इसको डन करेंगे। देन उसके बाद से गाइस हम दोबारा से ऐड फोटो पर चलेंगे और स्टिक लेकर PNG लेंगे। देखिए इसे सिंपली आपको कुछ इस तरह लगा लेना है, ध्यान देना है यहाँ पे आपने। और लगाने के बाद से गाइस आपको इरेजर पर क्लिक करना है। देन इरेजर को क्या करना है, आपने इरेजर की ओपेसिटी 10% और हार्डनेस भी 10% आपने रख लेनी है। और उसके बाद सिंपली क्या करना है, उसे इरेज करना है, धीरे धीरे उसी पर इरेज करते रहना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, जिससे लगे कि हमारे छाते के अंदर है। तो सिंपली देखिए अभी आपको हम इरेज करके दिखा देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मेरा इरेज हो चुका है, देखिए अब ऐसा लग रहा है कि हमारे छाते के अंदर ये लगा हुआ है। तो सिंपली अब अपने हाथों पर से इरेज कर लेते हैं, इसमें हम इसके हार्डनेस को फुल कर देते हैं और इरेज कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने इरेज कर लिया, उसके बाद गाइस इसको हम डन कर लेते हैं। यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो गाइस उनको डन कर लेता है। उसके बाद से गाइस हम ड्रॉ टूल में चलेंगे अपने, और ड्रॉ टूल में जाने के बाद से इसमें आपको क्या करना है गाइस, आपको क्लियर इन क्लियर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद से ऐसे ही एक ब्रश एक जगह खींच लेनी है ब्रश से लाइन, देन उसके बाद से उस लेयर को ट्रांसफॉर्म में जाना है और फुल जूम करना है। देखिए हमने आपको भी कुछ इस तरह से ही जूम कर लेना है और फिर नीचे वाली साइड में इसे लगाना है साइडों के लिए। देखिए हमें आप लगाते हैं। तो गाइस देखिए हमारा हो गया एक साइड का, हम सिंपली दूसरी साइड भी वैसे ही करेंगे। एक लेयर लेंगे और सिंपली ऐसे ड्रॉ करके इसे को भी ट्रांसफॉर्म करेंगे।
और गाइस देखिए होगा इसको भी हम डन कर लेंगे। देन उसके बाद से गाइस क्या करेंगे, हम अपने ड्रॉ टूल में जाएंगे और अपने फोटो को सेव कर लेंगे। सॉरी ड्रॉ टूल में तो है, हम फोटो को अपने सेव कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमने फोटो को अपने स्नैपशीट में ऐड कर लिया है। देन उसके बाद से गाइस हम उसको ट्यून इमेज में जाएंगे। यहाँ पर हमने स्नैपशीट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें सही परफेक्ट हो पाएगा। तो देखिए हम आपको किस तरह से दिखाते हैं, आपको इसमें आपको एडजस्टमेंट कर लेना है ट्यून इमेज में अपने पिक्स के हिसाब से। तो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं और शैडो को हम नहीं चढ़ेंगे। उसके बाद गाइस हम कर लेंगे। देन यहाँ पर आपको सिलेक्टिव टूल्स पर ध्यान देना है, ये मेन है। तो सिंपली हम इस पर फेस के ऊपर करेंगे। आपको अपने फेस में ज़्यादा लाइट देनी है। सिंपली फेस को हम ब्राइटनेस इंक्रीज करके सिर्फ कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा माइनस करेंगे और सेचुरेशन आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है और स्ट्रक्चर थोड़ा सा माइनस। देन उसके बाद से हम फिर से टैप पर जाएंगे और नीचे की तरफ एक लेंगे और इसमें ब्राइटनेस माइनस कर देंगे जिससे शैडो क्रिएट हो। और इस साइड में आपको ध्यान देना, देखिए शैडो हमारा बन गया है। इस तरह से हमारा काफ़ी परफेक्ट शैडो बनता है, जबकि लाइटरूम में ऐसा नहीं बन पाएगा। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। और देन उसके बाद क्या करेंगे, इस वाले को हम उठाकर दूसरी जगह फिक्स कर देते हैं, हटा देते हैं पहले इसे। अब अपने हाथों पर एक लगाएंगे। उसके बाद इसकी ब्राइटनेस को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं या फिर माइनस ही कर लेते हैं, थोड़ी डार्कनेस आ जाए जिससे नीचे से शैडो लगे। तो गाइस देखिए हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैं अभी आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। ये देखिए मतलब थोड़ा सा अंतर आ रहा है लेकिन थोड़ी सी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक आ रहा है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।